हाय एवरीबॉडी, हम जब इतिहास और मधुमक्खी पालन पर बात करते हैं तो भारत में मधु तथा मोम को प्राचीन काल से ही आदिवासी जाति के लोगों द्वारा जंगली मधुमक्खियों से प्राप्त किया जाता था और उसी से विशेष रूप से ये शहद निकाल करके और लोगों में बेचा जाता था, जिसका कार्य विशेष रूप से आदिवासी ही करते थे। भारत में मौनाओं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां वैसे तो पाई जाती हैं, जिसके कारण से ही यह उद्योग सफलता की ओर अग्रसर है। वैसे तो मधुमक्खी के विषय में ज्ञान महाभारत एवं रामायण काल से ही चला आ रहा है। उस समय कुछ लोग हिमालय की तराई में खोखले लकड़ी के लट्ठों को दोनों तरफ से छिद्रों को बंद करके और छोटा छिद्र करके छोड़ देते थे, जिससे रानी मधुमक्खी परिवार सहित रहकर मधु बनाती थी और उसे प्रयोग में लाया जाता था। विशेष रूप से रानी का डायरेक्शन इस मधुमक्खी उत्पादन में होता था। संपूर्ण भारत में सबसे पहले 1857 में आधुनिक विधि का आविष्कारक के रूप में अमेरिका के पादरी एलएल लैंगस्ट्रॉथ था, जो कि भारत में सबसे पहले 1882 में बंगाल में तथा सन 1884 में पंजाब में इस उद्योग का शुभारंभ हुआ, परंतु इस समय सफलता नहीं प्राप्त हो सकी और उसी समय से भारत सरकार के तार विभाग के जॉन डगलर नामक कर्मचारी ने मौन पालन के संबंध में एक तरह से अपना अनुभव प्रकाशित किया, जो कि 1890 में कैल्सस नामक प्रोफेसर ने तिरुचिरापल्ली में भारतीय जो मधुमक्खी है का विधिवत अध्ययन किया था। सर ल्यूस डेने ने 1908 में पंजाब में मधुमक्खी का प्रचार किया और इसी वर्ष लेफ्टिनेंट एफ एस काउंसिल की नियुक्ति सरकार ने मौन पालन या एपियरिस्ट के रूप में कर दी थी। इसके बाद मधुमक्खी पालने पर अनेक तरह के अपना कार्य प्रकाशित हुए, जिनमें विशेष रूप से इंपीरियल कीट विशेषज्ञ के अंतर्गत चला। यह कार्य सन 1907 से सन 1919 तक चला। इसी समय सीसी घोष ने एक बुलेटिन का प्रकाशन किया, जो कि आज के समय में भी बुलेटिन नंबर 46 अपना के रूप में ये इसको जानते हैं। इसके बाद ए गाइड फॉर बी कीपिंग नामक बुलेटिन भी प्रकाशित हुई। उधर दक्षिणी भारत में न्यूटन नामक पादरी ने 1911 से सन 1917 तक बहुत से लोगों को मधुमक्खी पालन में अपना इन्होंने मौना गृह या बी हाइव का निर्माण कराया और उन्हीं के नाम पर ये अभी भी अपना प्रचलित हैं। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने 1928 में मधुमक्खी पालन को लघु कुटीर उद्योग के रूप में अपना यह सिफारिश किया और शीघ्र ही ये विकसित होने का अवसर भी प्राप्त किया। वास्तविक रूप से 1938 में उत्तर प्रदेश में, 1931 में मद्रास में तथा 1933 में पंजाब में ये प्रारंभ हुआ था। इसके बाद अन्य सूत्रों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ और 1938 में ऑल इंडिया बी कीपर्स एसोसिएशन अखिल भारतीय मौन पालन संघ की स्थापना हुई, जिनमें हर साल गोष्ठियों और प्रदर्शनियों का प्रबंधन करने के साथ साथ पत्रिका इंडियन बी जर्नल भी प्रकाशित करती है। इसी समय मौना पालन उद्योग का विकास, खास करके 1953 में अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के बन जाने से हुआ और 1962 में मधु उद्योग के विकास को पूर्ण रूप से अपने अंतर्गत ये रखा। इसके फलस्वरूप पूना में केंद्रीय मौन पालन अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया, जिसने केंद्रीय सरकार की सहायता से विभिन्न राज्यों में या भारत के अन्य राज्यों में भी इसका प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण का कार्य हुआ। इस प्रकार यह आवश्यक सेवाएं एवं सामग्रियों को इस समय से उपलब्ध कराया तथा तकनीकी जानकारी भी इस विषय पर इनके द्वारा प्रस्तुत की गई और उसके बाद यह कार्यक्रम या मधुमक्खी पालन का उद्योग
निरंतर उन्नति करता चला आया। इस तरह से एक ये छोटी सी जानकारी हम लेकर के थे आज मौन पालन के इतिहास पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।